हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी आउट की गई है भेल से, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये वैकेंसी FTA के बेस पे निकाली गई है, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, FTA की ही वैकेंसीज है, बट अच्छी खासी आपको वो सैलरी मिलने वाली है, अच्छी खासी आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए फुल डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। गाइस, आजकल की डेट में जॉब की नीड हर किसी को है, लेकिन जॉब्स मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब्स तो आ ही नहीं रही है। प्लस प्रेजेंट सिनेरियो जो पेंडेमिक के कारण जॉबलेस हुए हैं, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाती है। तो आज की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे जॉब्स आप पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, घर बैठे। इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है, बिल्कुल आप अपने नॉलेज, अपने स्किल्ड के जरिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो। मैं बताने जा रहा हूँ इंडियाज बिगेस्ट जॉब हायरिंग, जो कि री लेवल के बारे में, और ये बिल्कुल अन अकेडमी का पार्ट है। यहाँ पर आप अपने स्किल्ड के जरिए जॉब पा सकते हो बिगेस्ट कंपनी में। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिए और उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ टेस्टेस, यानी कि कुछ कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट, आप में जो भी इंटरेस्टेड है। जैसे कि मैं एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर बिल्कुल फ्री है, पहले ये पेमेंट लग रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करके इसे कर सकते हो। गाइस, रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, और इंडियाज की जो भी बिगेस्ट कंपनी है उनके नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, जिसमें आपकी जॉब्स लगने वाली है। नीचे आइएगा, आपको अपना एक स्लॉट से डेट बुक करना होगा, जिसमें से 9 सितंबर से 21 सितंबर तक आपकी रिलेवेंट डेट, आपकी वेरियस डेट शो करेगी। आप जो भी स्लॉट्स में फ्री हो एंड टेस्ट के लिए देने के लिए, आप उसे स्लॉट्स को बुक करें। इसमें टोटल 5 टेस्ट आपकी होने वाली है, और जैसे आपकी टेस्ट जाएंगे, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर रिलेवल स्कोर कार्ड यहाँ पर तैयार की जाएगी, जो कि स्कोर आपका 700 से अधिक प्लस आपका जैसे ही होती है, तो आपको इंडिया की जो भी बिगेस्ट कंपनी, जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, उधर से डायरेक्टली आपको जॉब्स ऑफर के लिए मेल आएगी। आपको नहीं करना है, कंपनी की तरफ से ही बिल्कुल आएगी। तो मान लीजिए किसी स्लॉट्स में आप यहाँ पे बुक करते हैं, उसके बाद स्टार्ट जो सेलेक्टेड टेस्ट डेट, आप इसे सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, बिल्कुल सेल्फी वीडियोस है, और इसमें आपको बताना होगा कि कंपनी की ग्रोथ में आप किस तरह साझेदार बन सकते हैं, आप में क्या क्वालिटी है। बढ़िया से बनाइएगा इंट्रोड्यूस वीडियो, ये कंपनी के बारे में आप आराम से कहीं पे गूगल पे देख सकते हो। उसके बाद एक अच्छे तरह से वीडियोस आपको बनानी होगी, यहाँ पर प्रेजेंट सिनेरियो को, पेंडेमिक के जूझते हुए कंपनी की किस ग्रोथ में आप शामिल कर सकते हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से आपको करनी होगी। तो यही सब प्रोसेस है आपकी जॉब्स पाने का एक बेस्ट कंपनी में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आजकल की डेट में, ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही है रिलेवल आप सभी के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज्वाइन नाउ। तो गाइस, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पावर सेक्टर ईस्टर्न रीजन में ये वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि आपकी जॉब लोकेशन होगी वो कोलकाता में होने वाली है, और ईस्टर्न रीजन की ये पहली वैकेंसी है 2021 की। यहाँ पर नीड एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग प्रोफेशनल फॉर सिविल ऑन FTA बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जैसे कि इंजीनियर FTA सिविल के लिए वैकेंसी है 7 पोस्ट पर, और सुपरवाइजर FTA सिविल की वैकेंसी टोटल 15 पोस्ट पर है। टोटल वैकेंसी 22 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है एक्सपीरियंस इंजीनियर एंड सुपरवाइजर, जिसमें से आप FTA यानी कि फिक्स में टर्म अपॉइंटमेंट, इसका फुल फॉर्म यही होता है, और ये 2 साल की आपकी प्रोजेक्ट सेल यहाँ पे आपकी जॉब्स होगी। अदरवाइज प्रोजेक्ट जैसे आपकी इंक्रीज की जाती है ना, एक्सटेंड होगी प्रोजेक्ट, तो आपकी भी जॉब सिक्योरिटी आपकी ओपन यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाएगी। देखिए, कहीं पर फिक्स टर्म 2 साल लिखा होता है, इसका मतलब ये ना समझे कि 2 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, इसी बात नहीं है। उसके बाद आपकी एक्सटेंडेड होती रहती है, देन दोबारा यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा जब इसकी वैकेंसी, इसकी प्रोजेक्ट फिर से शुरू होती है। तो ये एज अ मतलब परमानेंट तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलती रहेगी। उसके बाद जब भी परमानेंट होने का चांस मिलेगा एक्सपीरियंस के तौर पर, वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा आप।
चलिए बात करते हैं पोस्ट की। इंजीनियर 50 सिविल में फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री किए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किए हैं विद 60% मार्क्स सभी डिग्रीज में होना अनिवार्य है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर है, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए तो 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सुपरवाइजर FTA सिविल की है, जिसमें कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। ST/ST 50% मार्क्स दिया गया, 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस उनके हड़बड़ाना नहीं है, आप एक्सपीरियंस आराम से ले सकते हो स्टील प्लांट, पावर स्टील प्लांट, सीमेंट में, रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो कहीं पर भी आपने वर्क किया है 1-1.5 साल आपने जुगाड़ भी लगा कर ले सकते हो। एज लिमिट की डिस्कस करूँ 18 साल से लेकर 34 ईयर के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अदरवाइज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ST/ST वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स की। PW कैंडिडेट हैं 10 साल से आप उससे भी ऊपर के छूट आप ले सकते हो। सैलरी की मैं डिस्कस कर लूँ तो FTA इंजीनियर की जो सैलरी होगी 71,040 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी, और 2 लाख का सेल्फ स्पॉन्स आपको यहाँ पर मिला जाता है, यानी कि बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई की खर्चा आपको मिलेगी ऑफ मेंबर वाले, और जितने भी यानी शादी शुदा आपके बच्चे हैं तो ही आपको ये सुविधा मिलेगी। सुपरवाइजर की वैकेंसीज इसमें आपको जॉब से जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ 39,670 रुपये, और कई सारे अलोनेस आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए सिलेक्शन टोटली यहाँ पे आपका इंटरव्यू बेस पे होगा, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उसकी स्क्रूटनी एक्सपीरियंस के बेस पे की जाएगी, देन आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी, और रेशियो के हिसाब से 1/10 आपको बुलाया जाएगा इसमें वैकेंसीज के हिसाब से, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट की जाएगी 4 यहाँ पर ऑर्डर मेरिट के हिसाब से, देन आपका मार्क्स CGPA उसके हिसाब से आपको क्वालिफाइंग डिप्लोमा एंड डिग्री उसी के हिसाब से आराम होता है गाइस, आपका मार्क्स और क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस के हिसाब से ही शॉर्ट लिस्टेड की जाती है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये हमेशा वेल या बेल हो कहीं पर भी यही रूल्स लागू होता है। एप्लीकेशन फ़ी जो प्रोसेसिंग फ़ी बोला गया है इसमें 200 रुपये रखा गया है, जो कि यहाँ पर आपको देना होगा SBI कलेक्ट के जरिए, और भेल PSE सर पेबल कोलकाता ही आपको दें, SBI कलेक्ट का लिंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, और इनके अकाउंट डिटेल्स की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जितने भी ST/ST PW कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी आपका नहीं लगेगा, जनरल OBC EWS वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लगने वाला है। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन के जरिए पेमेंट फिल करनी होगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको हार्ड कॉपी सेंड कभी करनी होगी, यहाँ पर बताया गया एड्रेस टू विच कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू बी सेंड, यानी हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, यहाँ पर आराम से अपने पोस्ट वाइज एनवेलप के साथ सेट करें। और बात करें फॉर्म अप्लाई प्रोसेसर की तो 4 सितंबर से ओपन हो चुकी है, और 24 सितंबर तक ही इसकी लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट रिसीप्ट ऑफ फील्ड साइन एप्लीकेशन फॉर्म एट वेल जो वहाँ पे भेजने की आपकी 1 अक्टूबर 2021 तक, और आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रिसीप्ट फील्ड जो आपका साइन एप्लीकेशन फॉर्म एट PSL यहाँ पर फिर फ्लग एरियाज वालों के लिए 8 अक्टूबर तक रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी ऑन गोइंग है ऑनलाइन फॉर्म की, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इससे रिलेटेड कुछ भी अदर क्वारी हो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, पुस्ट आउट हो कमेंट करें पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।